यार फंस तो नहीं जाएंगे ना? डोंट वरी यार, यहाँ कोई नहीं आता। ये होटल तो सालों पहले बंद हो चुका है। अरे कोई तो होगा। अरे कोई नहीं है यार, इस जगह पर हम लोग जितनी चाहे उतनी मस्ती कर सकते हैं। डिस्को तो हर हफ्ते जाते हैं, वही भीड़। यार तू देख तो सही, ये कैसी जगह है। अरे एक बात बता, यहाँ पहले भी आ चुका है क्या? यहाँ बैठ के पीने का मजा ही कुछ और है। यार इधर कहीं टॉयलेट है क्या? अरे कहीं भी चला जा, इसे अपना ही होटल समझ। मैं आता हूँ यार। लाश, यहाँ लाश है। क्या हुआ यार? वहां पे लाश है। लाश? ये देख। Oh my God! इसका तो सर काट के अलग रख दिया है। बस मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था, क्या आप अकेले हैं? माय गॉड, आपकी जिंदगी में इतने गम हैं। अगर आप मुझे पहले मिले होते तो ये गाना नहीं गाते। अच्छा? Wanna dance? इस आदमी का खून करने वाला एक साइकोटिक किलर है, मतलब कि एक ऐसा खूनी जो आम जिंदगी में आराम से घूमता होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके दिमाग में एक कीड़ा है जो इससे खून करवाता है। पॉकेट में पैसे, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड सब ऐसे के वैसे पड़े थे। लूटने के लिए खून नहीं हुआ है। हाँ, मुझे तो लगता है कि खूनी इस आदमी को जानता भी नहीं था, उसने इसका खून ऐसे ही कर दिया। उसके दिमाग में जो कीड़ा है उसने कहा होगा मारो, तो मार दिया। इसके हाथ में कुछ स्टैंप लगा था ना, किसी डिस्को विस्को का? यस, ये देखिए, प्रिंस डिस्को। मतलब ये प्रिंस डिस्को से बाहर आया था। सर दर से अलग कर दिया बेचारे का। बेचारा मर तो पहले से ही गया होगा, जैसे ही सामने से गला काटा, पर फिर भी वो पागल इसका गला काटता गया, काटता गया, काट। डॉक्टर नायला, डॉक्टर नायला, डॉक्टर, इनकी बॉडी गर्म है, लगता है इन्हें बुखार है। जल्दी से उठाओ, ऊपर लेटाओ उसे। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है जी, कहाँ पे? रेनबो डिस्को के बाहर। ठीक है, विल बी देयर। या एक और फोन हो गया, रेनबो डिस्को के बाहर। ये खून भी बिल्कुल उसी तरह हुआ है, गला काट दिया गया, धड़ से अलग नहीं हुआ है। ये दोनों खून एक ही जैसे हैं, एक ये डिस्को के बाहर और वो डिस्को के पास में। पर किसी ने इसे मारा क्यों होगा? जेब में पैसे तो वैसे ही पड़े। सर इसका एक दोस्त मिला है, वो इसी के साथ था। इसके साथ में था जी सर। कहाँ है वो?
आइए। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? हाँ पीछे जाइए, दिखता नहीं ये क्राइम सीन है, यहाँ पे आना मना है। तुम्हें मालूम है ये आदमी कब मरा? नहीं मुझे मालूम। इस आदमी को मरे हुए लगभग 4-5 घंटे हुए हैं। मरने से पहले ये किसी लड़की के साथ था जिसने लाल रंग की लिपस्टिक और दिवा नाम का परफ्यूम लगाया हुआ था। हाँ सर ये हमारे साथ ही था पर बीच में थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था किसी लड़की के साथ। किसी लड़की के साथ? कौन थी ये लड़की? मालूम नहीं सर, हम बाहर आए तो वो लड़की यहाँ कहीं नहीं दिखी। ये सब आपको लाश देख के पता चल जाता है? एक मिनट आप यहीं रुकिए, मैं अभी आया। ठीक है सर। कहाँ है? वहां पे सर। अरे कहाँ चला गया वो? सर वो आदमी यहीं पे खड़ा था। क्या हुआ, इतनी देर कैसे ले? वैसा ही मर्डर? यस। गला कटा हुआ है? हाँ सर गला कटा है मगर गर्दन अलग नहीं। चाकू से मारा हुआ तो नहीं दिखता है। सर ये भी डिस्को में गया था, कल के पेपर में छपेगा डिस्को मर्डर। सर हमें वहां पे एक आदमी मिला था सर, उसने मुर्दे को देख के ऐसी ऐसी बातें बताई सर कि मुझे तो शर्म आ गई सर। क्यों? मुर्दे की बातें सुनकर तुम्हें क्यों शर्म आ गई? उसने बताया सर कि ये आदमी 4 घंटे पहले मरा है और इसके साथ एक लड़की थी जिसने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी और उसने दीवा नाम का परफ्यूम भी लगाया हुआ था। कौन था वो आदमी? पता नहीं सर, इसे मिला था। ये सब बातें उस आदमी ने सिर्फ लाश देखकर बताई? जी सर। ऐसा तो सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, एक ही आदमी बता सकता है, सिर्फ एक ही आदमी। उसके सिर में लाइटें दिख रही थी क्या? सिर में लाइटें? सिर में लाइटें कैसे देख सकती है सर? मेरा मतलब है वो गंजा था क्या? आपका कहने का मतलब है डॉक्टर सालुंखे? हाँ, आदमी की लाश को देखकर उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में इतनी बातें बताने वाला और कौन हो सकता है? सर उस आदमी के तो काफी बाल थे सर। बाल थे? तो फिर सालुंखे हो ही नहीं सकता। मैं तो घबरा गया था कि ये सालुंखे वापस कहां से आया फिर से। सर हम लोग तो खुश होते अगर डॉक्टर सालुंखे। याद है ना कितनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था उससे, गैस भर गया था उसके दिमाग में। बट सर ही वाज गुड सर, आई मीन हमारा कितना भी झगड़ा उनसे, डॉक्टर सालुंखे दे सर। हां ठीक है डॉक्टर सालुंखे ये था, डॉक्टर सालुंखे वो था। अरे यहां तो वो डॉक्टर नायला बीमार पड़ गई है इसलिए मैंने एक एक्सपर्ट को बुलाया है। डॉक्टर प्रधान? जी हाँ आपकी पुरानी दोस्त डॉक्टर नियति प्रधान। पर आप तो चली गई थी लेकिन अब आ गई, आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं नहीं हमें क्या एतराज हो सकता है। अरे शैतान का नाम लिया और क्यों? शैतान 100 साल नहीं बोल सकते, अभी याद किया है ना। मैं अंदर आ सकता हूं? माफ कीजिए मेरे से रहा नहीं गया, मैं ये लाश सूंघते सूंघते यहां चला आया। ओ, तो वो आदमी तुम थे? मैंने कहा था ना ये सालुंखे ही होगा। और ये बाल कहां से आ गए? है? जमाने के साथ आगे बढ़ना चाहिए ना ऐसे भी साहब, मैं तो आगे बढ़ गया लेकिन मैंने सोचा एक नया लुक आना चाहिए, आपने यहां से भगा दिया तो क्या हुआ,
स्मार्ट बनने से तो मना नहीं किया किसी ने। कौवा चला हंस की चाल। शादी हो गई? शादी? हाँ, नहीं, पर गर्लफ्रेंड्स हैं काफी। खैर, क्या मैं इस लाश का पोस्टमार्टम कर सकता हूँ? क्यों, ये डॉक्टर प्रधान है ना? ओ हेलो डॉक्टर नियति प्रधान, आई एम डॉक्टर सालुंके। हेलो डॉक्टर सालुंके। एसीपी से जरा सावधान रहना। आई नो। क्या कहा? नहीं, मैंने कहा कि एसीपी प्रद्युमन मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। पुराने दोस्त? एसीपी साहब, क्या कोई इस लाश को देखकर बता सकता है कि ये कब पैदा हुआ था? नहीं, मैं बता सकता हूं। यह आदमी 20 अक्टूबर 1980 को पैदा हुआ था। एक बात दोनों ही खून में है कि दोनों ही आदमी रात को डिस्को में गए थे। हाँ सर, ये नरेश गया था प्रिंस डिस्को और धीरज रेनबो डिस्को गया था सर। और दोनों की लाश डिस्को के बाहर मिली थी, अंदर नहीं। और दोनों के साथ एक लड़की। कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो जरूर हुआ है, वरना कोई उतनी बुरी तरह से किसी का खून नहीं करता। इनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? कोई पैसे देने थे किसी को? किसी से कोई झगड़ा? मेरा मतलब है किसी लड़की से कोई प्यार व्यार, कोई धोखा? क्योंकि एक लड़की देखी गई थी उसके साथ। लड़की गायब है। मेरे ख्याल से ये लड़की आदमियों को फंसाती है और कोई और खून करता है। और सर मारा क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा। लूटा तो कुछ भी नहीं है। सर, सर धीरज और नरेश का पता मिल गया है। नरेश खार में रहता है और धीरज कोलाबा में। सर और एक बात और, दोनों की शादी नहीं हुई है। तो फिर कोई प्यार व्यार, किसी लड़की को झूठ बोलकर फंसाया? पता नहीं चल रहा है सर, ये लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये प्यार व्यार का ही कोई चक्कर है। पर सर ये दोनों खून अलग अलग जगह पे हुए। फिर भी दया, ये नरेश और धीरज एक दूसरे को जानते थे क्या? नहीं सर। काम क्या करते थे दोनों? सर धीरज एक 5-स्टार होटल में काम करता था और नरेश एक टीवी सीरियल में असिस्टेंट डायरेक्टर था। ओ, टीवी सीरियल, वही ना, सास बहू, परेशान जीजा, बदमाश साला, मामी आग लगा रही है, चाची पानी डाल रही है, इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर और किसी से। वहां भी चेक करो, सीरियल में कौन कौन सी लड़की है सबको चेक करो। दोनों का खून डिस्को में हुआ है और दोनों के साथ लड़की थी। तुम लोग एक काम करो, दोनों डिस्को के आसपास जाकर पूछताछ करो। जब ये दोनों लड़की के साथ बाहर आए होंगे तो किसी ने तो देखा होगा, किसी ने तो देखा होगा कि ये लड़की कैसी दिखती है। अरे भाई जरा ये फोटो देखो, कभी देखा है इस आदमी को? शायद एक लड़की के साथ मिला, उस दिन प्रिंस डिस्को से बाहर निकल रहा था। प्रिंस डिस्को? उस लड़की का चेहरा याद है तुम्हें? याद तो नहीं, पर याद कर करके बता सकता हूँ। देखो हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से बैठो, मगर अच्छी तरह से याद करके सोच सोच के बताना। अरे यार एक बात बोल, कभी बोलता है ब्राउन थी, कभी बोलता है काली थी। मेरे ख्याल से हाँ भूरी थी। नहीं नहीं एक मिनट, मैंने पूछा क्या तेरे से कैसी थी? नहीं नहीं ना, तो फिर तू सिर्फ इतना बता दे, आंखें छोटी थी या बड़ी? अब मैंने उसकी आंखों में झांक के थोड़ी देखा था, दूर से देखा था, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा मैं तुम्हें तरह तरह की आंखें दिखाती हूँ, बताना जरा इनमें से कौन सी वाली आंखें थी। ठीक है जी। ये वाली? नहीं। ये? नहीं। दया किस्मत ने साथ दिया तो स्केच बराबर बनेगा, वरना अल्लाह ही मालिक है। कभी कभी तो लोग अपने रिश्तेदारों का स्केच बनवा देते हैं। ऐसी? हाँ यही है। अब मैं तुझे नाक दिखाता हूं। अबे यार मेरी नाक की तरफ मत देख,
इधर देख, इधर कंप्यूटर में देख। अब सर आपने बोला नाक दिखाता हूं तो देख, तू मेरे कपड़े मत फाड़, इधर देख, चुपचाप देख। सर एक बार एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड का स्केच बनवा दिया था। ये तो कुछ भी नहीं दया, एक ने तो मेरा ही बनवा दिया था। दो दो मर्डर हुए थे, खून होते हुए उसने देखा था, मगर उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। मैं सामने खड़ा था, सबकॉन्शियस ने मेरा स्केच बनवा दिया। हो गया ना? अरे सर मेरी चुप चुप, देखे इसने क्या बनवाया है। अरे ये क्या है? क्या हुआ? इसने मरवा दिया, देखो जरा आके। अरे ये तो हाँ देखा सर, इस आई विटनेस ने मेरा दिमाग खराब कर दिया सर। क्या हुआ जरा आके देखिए। ठीक ही तो है, लड़की है। सर उसमें भी देखिए, ये तो एक ही लड़की है। मुस्कान जरा पिक्चर यहां भेजो। इसका मतलब है नरेश और धीरज का खून एक ही लड़की ने किया है। अब हम इसके इस चेहरे से ही इसका पता ठिकाना मालूम करेंगे। फोरेंसिक लैब से फोन आ रहा है। सर नरेश का खून किसी बहुत ही बारीक चीज से किया गया है, शायद ऐसे ही किसी तार से। इसे पीछे से मारा गया है सर। पर इसका गला तो सामने से काटा गया है। विवेक जरा इधर आओ, घूम जाओ। सर इसको ऐसे इस तरह मारा गया है। करेक्ट, यहां भी ऐसा ही हुआ। धीरज की मौत भी ऐसे ही किसी वायर से हुई है। और ये काम किसी आदमी ने किया है सर। आदमी ने? मगर हमें दो आई विटनेस मिले जिन्होंने खूनी को देखा है और उन दोनों ने एक लड़की का स्केच बनवाया है। सर खूनी एक लड़का है। नहीं डॉक्टर प्रधान, नो, खूनी एक लड़की ही है। धीरज के बालों में थोड़ा खून मिला है और वो खून धीरज का नहीं, किसी खूनी का है। और खून के डीएनए से पता चलता है कि वो खून एक लड़की का ही है। नरेश ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, इसने अपने हाथों से खूनी के हाथ को पकड़ा होगा इस तरह। इसके नाखूनों में खूनी की खाल मिली है और साथ में खून भी है। खाल और खून दोनों एक लड़के के हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर खूनी कोई लड़का हुआ तो मैं फिर से अपना सर मुंडवा दूंगा। नहीं नहीं, बाल क्यों मुंडवा रहे हो, इतने मुश्किल से तो आए हैं। सर अगर मैं गलत साबित हुई तो मैं फोरेंसिक साइंस हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। वाह वाह, और मैं क्या करूं, डांस करूं क्या, तबला बजाऊं? एक कह रहा है कि खूनी लड़की है, दूसरा कह रहा है खूनी लड़का है। एसीपी प्रद्युमनिया, क्या गला काट दिया? ठीक है, एक और खून। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं, नरेश का खून एक आदमी ने ही किया है और धीरज का खून एक लड़की ने किया है। अरे अब ये फिर वही कहानी शुरू हो गई है। नहीं नहीं अभिजीत, कहानी बदल गई है अभी। सारों के भी सही कह रहा है और मैं भी। देखिए देखिए, एक एक बात बोलिए आप, या लड़की मतलब या... ये अभिजीत कि ये दोनों खून दो अलग अलग लोगों ने किए, एक लड़का है और एक लड़की। अरे अभी तो आप मतलब खून करने वाले दो अलग अलग लोग हैं और दोनों एक ही तरीके से खून कर रहे हैं, वायर से गर्दन को काट के। अरे तो फिर उसका क्या, उन स्केचेस का? वो दोनों आई विटनेस झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। दोनों गवाह अलग अलग जगह से आए हैं, दोनों ने अलग अलग जगह बैठ के स्केच बनवाया है, दोनों ने एक ही लड़की का स्केच बनवाया है। खूनी लड़की है और आप कह रहे हो कि लड़का है। अच्छा इस तीसरे आदमी का क्या, इसका खून किसने किया? इसे भी एक लड़की ने मारा है। लड़की ने? जी हाँ, और ये वही लड़की है जिसने इस धीरज का खून किया है। दोनों के डीएनए एक ही है। एक बात और है अभिजीत,
तीनों खून में एक बात कॉमन है और वो ये कि तीनों मरने वालों ने मरने से पहले ड्रग ली थी। एक ही ड्रग या अलग अलग ड्रग? एक ही ड्रग। एक ही ड्रग तो तीनों खून गर्दन काट के किए गए हैं। तीनों खून में मारने से पहले मरने वाले को ड्रग खिलाई गई है और तीनों खून डिस्को के बाहर किए गए हैं। सर अगर ध्यान से देखें तो एक बात समझ में आती है कि खूनी एक हिसाब से खून कर रहा है। ये देखिए सर, पहला खून हुआ नरेश का, प्रिंस डिस्को में, जो सर जो यहां अंधेरी में है, और दूसरा खून हुआ धीरज का, रेनबो डिस्को, विले पार्ले में, और तीसरा खून यहां हुआ है सैंटा क्रूज क्रैकर डिस्को में। तो इसका मतलब है खूनी अंधेरी से खार बांद्रा की तरफ आ रहा है, और इस हिसाब से अगला खून यहां खार बांद्रा के आसपास कहीं होना चाहिए। सर ये तो हवा में तीर चलाने वाली बात होगी दया, पर हो सकता है। सर जिन तीन आदमियों का खून हुआ है वो तीनों के तीनों कुंवारे थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। तो इसका मतलब है अगला शिकार भी कुंवारा ही होगा और वो खार बांद्रा के किसी डिस्को में नाच रहा होगा। बहुत ही बारीक चीज से किया गया है, शायद ऐसी ही किसी तार से। I'm so sorry, वो पीछे से धक्का लग गया गलती से। It's okay. I'm utterly sorry, वो मेरी वजह से। मैंने कहा ना it's okay, भीड़ भाड़ में तो ऐसा होता रहता है।
डिस्को में जाने की प्रॉब्लम ही यही है, इतना शोर धुआं, फ्रेश एयर कभी मिलता ही नहीं है, मेरा तो जी घबराता है। ये मुझे कुछ कुछ अजीब सा लग रहा है। बस यही ये क्या, ये हाथ में क्या दुआ है? तुम्हें चक्कर आ रहा है ना, अब नहीं आएगा। सर सर ब्यूरो में पहुंच गए सर, अब तो कंट्रोल कीजिए सर, प्लीज सर। क्या हुआ है? क्या हुआ सर, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है, मरते मरते बचे हैं फिर भी हंसते जा रहे। दया दया यस सर। सर जब चुप होते तब भी हंसते सर, ये देखिए देखिए। दया क्या हो गया है, इतने खुश होने की क्या बात है? मुझे वही चाहिए सर। बिहेव योरसेल्फ, सब तमीज भूल गए क्या? सॉरी सर। इट्स ओके नाउ, कहां जा रहे हो तुम? दया वही चाहिए, वही वाली दवाई, बहुत अच्छा नशा है सर। सर रुकिए सर, पूरे रास्ते में यही दवाई मांग रहे थे। सर एक मिनट प्लीज 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 सर, रुक जाओ, वापस आओ सर। बैठो इधर। क्या है? क्या हुआ क्या तुम? सर उस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था, उससे एकदम, उसके बाद पता ही नहीं चला सर क्या हुआ। अभिजीत सर अगर नहीं पहुंचते तो उस लड़की ने गला काट दिया था सर। फिर से चाहिए सर वही ड्रग। मुस्कान जरा मेरी गन लेकर आओ, अभी देता हूं इसे ड्रग। सर लगता है ये ड्रग इतनी एडिक्टिव है कि अगर आदमी एक बार ले ले तो सब बार बार मांगता रहता है सर। हाँ बार बार चाहिए। पर अभिजीत वहां पहुंचा कैसे? सर जैसे मुझे वो ड्रग चढ़ी मैंने फोन का डायल दबा दिया था, जिस नंबर पे आखिरी बार बात करी थी मैंने, फोन फिर से वही लग गई सर। कल रात यहाँ पे ड्यूटी पे कौन था? यहाँ बार में बारटेंडर कौन था यहाँ पे? जी कल रात को टेंडर, कल रात को सुनाई नहीं पड़ता क्या कान से? है? जी कान से कम सुनते हो क्या? गुनाह किया उसने। वो तो यहाँ नहीं है। एड्रेस बताओ उसका। नहीं मालूम सर। झूठ बोला ना, अभी उड़ा दूंगा, समझा? अभी उड़ा दूंगा, एक खून हो गया उसमें शामिल है वो खून। हाँ नाम क्या है उसका? नाम नहीं मालूम सर। नाम नहीं मालूम है? नाम नहीं मालूम, पता नहीं मालूम, क्या जानता है तू? तेरे यहाँ काम करता था ना, नौकरी पर रखने से पहले नाम पता नहीं पूछता क्या? सर वो हमारे यहाँ काम नहीं करता था। काम नहीं करता था? क्या चक्कर है ये? क्या चक्कर है ये ना? सर एक्चुअली में कल रात को हमारे बार टेंडर की अचानक तबीयत खराब हो गई, तो उसी ने अपनी जगह किसी दूसरे आदमी को लाकर रख दिया। और तूने रख लिया बिना नाम पता पूछे? सर डिस्को का काम बगैर बार टेंडर के चलता नहीं है, तो मजबूरी में हमें रखना पड़ा सर। अच्छा ये जो तुम्हारा बारटेंडर है उसका क्या नाम है? जी आलोक सर। ए, तुम, हाँ तुम चलो आगे, चलो चलो, देखो गला देखो, चलो देखो। कटा हुआ है ना, पूरा कटने वाला था, बच गया। सर इसका नाम आलोक है, ये मून डिस्को में काम करता है सर।
अच्छा तो ये आलोक है, चलो पीछे जाओ, चलो जाओ। तो हाँ तुम चलो, चलो आओ। ये रवि है सर, प्रिंस डिस्को में काम करता है। देखो कैसे कटाए गला। तुम कहां थे जिस दिन खून हुआ था? तुम्हें मालूम है ना प्रिंस डिस्को के बाहर एक आदमी मरा हुआ था, उसका गला काट दिया था किसी ने? जी सर। तो तुमने बताया कहां थे तुम? सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं आ सका था सर। तबीयत खराब हो गई थी और तुम? सर ये सुमित है सर, रेनबो डिस्को से आया है। तुम भी गायब थे जब रेनबो डिस्को के बाहर खून हुआ था हा? और ये पुनीत है सर, क्रैकर डिस्को से आया है। ये भी गायब था सर जब क्रैकर डिस्को के बाहर खून हुआ था। जब जब खून हुआ तब तुम लोग गायब थे हैं? सब तबीयत खराब हो गई थी सर। तबीयत खराब थी तेरी ऐसी की तैसी, तुम सबकी तबीयत उसी दिन खराब कैसे होगी जिस दिन खून हुआ? हाँ बोल। तुम सब लोग डिस्को में नहीं थे उसी दिन खून हुआ, कैसे? बोल। साहब छोड़ दो साहब, मुझे कुछ नहीं पता सर। बोल उस दिन कहाँ गायब हो गए? बोलो उस दिन कहाँ गायब हो गए थे? सर उस दिन एक लड़की आई थी, उसने कहा कि 20,000 रुपए ले लो और काम पे बता रहे एक दिन के लिए। तुम तीनों ने भी 20,000 रुपए लिए थे? जी सर। तीन आदमियों का खून हो गया तुम लोगों की वजह से। तुम्हें पता है कौन आया था तुम्हारी जगह पे? नहीं सर। तुम्हें पता है कौन आया था तुम्हारी जगह पे? नहीं सर। नहीं मालूम? जरा देखो यही लड़की थी? हाँ सर यही थी। सारे डिस्को चेक करो, देखो कहां कहां पे बार में काम करने वाला आदमी छुट्टी पे जाने वाला है, शायद वहीं पे आएगी ये लड़की। भाग। आंखें इतनी बारीक क्यों हो रही? मुंह धो लो। हो गया? हाँ। गया एक और, अब ये डिस्को भी बंद हो जाएगा। अभिजीत भागो जल्दी। कोई नहीं भागेगा, खड़े रहो वहीं पर, नहीं तो गोली मार दूंगा। आज तक कोई पकड़ नहीं सका है, अब क्या पकड़ोगे? हिलो मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। नहीं मत चलाओ, नहीं। तुमने मेरे भाई को गोली मार दी। हमारा ऑफिसर कहाँ है? कौन ऑफिसर? वही जिसे तुम बाहर पीछे लेके आई थी। किसी ने मेरे साथ भी ऐसे ही किया था। पहले वो मुझे डिस्को ले गया और फिर धोखे से मेरी ड्रिंक में ड्रग मिला दिया, टी ट्रिप ड्रग। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकी। उसने तुम्हारा फायदा उठाया? हाँ।
बस उसी दिन मैंने सोच लिया मैं एक एक को मारूंगी। पर बेकसूर लोगों को मारने से क्या मिल रहा है तुम्हें? एक एक चूहे को मारने के लिए पूरे खेत जला देने पड़ते हैं, वही कर रही हूं मैं। सारे डिस्को बंद करवा दूंगी, इतने खून करूंगी कि सब याद रखेंगे। अब या तो तुम्हें फांसी होगी या फिर सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।